गाइस वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। मैं रितिका पांडे अपने ब्लॉग में आपका स्वागत करती हूँ। तो गाइस अभी बज रहे हैं दोपहर के 12:30 और मैं अभी अपना दोपहर से ब्लॉग शुरू कर रही हूँ। तो गाइस हमने रात मैंने आपको बताया था कि हमारे बड़े पापा जो थे, मेरे हस्बैंड के बड़े पापा ससुर जी, उनकी डेथ हो गई है एक्सीडेंट से। तो हम लोग के यहाँ उपवास रखते हैं। तो अभी तक हमने सारे लोग घर के सारे जन उपवास रखे थे। तो हमने चूल्हा नहीं जलाया, ये वाला चूल्हा नहीं जलाया। तो माना जाता है आग वाला चूल्हा नहीं जलाते, हम लोग इंडक्शन पे ही अपने आलू उबाल रहे हैं। तो अभी आलू ही खाएँगे सुबह। अभी हम लोग 5 बजे शाम को चावल दाल बनाएंगे, सिंपल खाना, बिना हल्दी वाला खाना, बिना सरसों तेल के, बिना मतलब ऐसे सिंपल खाना खाते हैं। तो वो बनाएंगे, तो वहाँ पे जब वहाँ जो रसम होती है वो खा लेंगे, तब हम लोग के यहाँ खाना बनेगा। तो बच्चे पड़ोसियों के घर से खाना खा लिए, तो अभी हम लोग के यहाँ आलू फल रहा है तो ये खाएंगे। और अभी तक हमने कुछ भी नहीं खाया और फल दूध भी नहीं पीते, दूध वाली चाय भी हमने नहीं पी। हमने अब आज भी दूध वाली चाय नहीं पिया, कल सुबह से हम दूध वाली चाय पी सकते हैं। और दही दही और अपना चौलाई के जो लड्डू होते हैं वो हम लोग सब लोग खाएँ। और सभी को लंच बॉक्स में वही दिया गया, फ्रूट्स दिया गया। और थोड़े बहुत हम लोग खाएँगे, सिर्फ शाम 5-6 बजे से खाना बनाना शुरू करेंगे। और जब दोनों टाइम एक होता है उस टाइम हम लोग शाम रात में खाना खा लेंगे। इसके बाद सिंपल खाना हम लोग 13 दिन तक खाएँगे। 13वें दिन जब उनका काम हो जाएगा, उनका क्रियाक्रम होती है ना, हो जाएगा, तब हम लोग खाना बनेगा। पूजा भी नहीं होगा हमारे घर अभी 13 दिन तक। थोड़ा बहुत अजीब सा लगता है ना घर, ये सब होता रहता है। और वो बहुत नए थे मेरे बड़े पापा, तो मैं एक उनका देखो हेलमेट उन्होंने पहनी थी और एक गलती की वजह से उनका जान चला गया। वो उनका यहाँ पे दिमाग के में ब्रेन में नस छोटी सी उसमें ब्लॉकेज हो गया था, जिससे उनकी जान चली गई। तो आप लोग को मैं फिर इस ब्लॉग में कहना चाहती हूँ, आप लोग हेलमेट ज़रूर लगाइए गाइस, हेलमेट लगाइए, सुरक्षित रहिए। तो बने रहिए आप लोग मेरे वीडियो पे, नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक करिए। अभी वीडियो पर बने रहिए, नहीं मिलेगा। देखो कैसा मुँह बना रही है। लड्डू खाना है तो पहले खाना खत्म कर, यहाँ पे आज ना खाना खा रही है। हाँ फेंक दो। तो मेरे भाभी हैं जो रेखा भाभी, उनके घर से चावल दाल बन के आए हैं सब्जी, तो यहाँ पे आज ना खा रही है। अब हम लोगों का रात में खाना चूल्हे पे बनने लगेगा, तब मेरी भाभी बहुत अच्छी देखी बना के दी है। तो यहाँ पे आज ना खा रही है दाल चावल, ये खाएगी, कृतिका खाएगी और बाबू खाएगा, बच्चे खाएंगे और वो मेरी छोटी वाली जो देवरानी है जो प्रेगनेंट है वो खाएगी बस। और हम और यहाँ पे दीक्षा दोनों लोग, हम लोगों ने उपवास किया है। तो और हम लोग के हस्बैंड रहते हैं और छोटे वाले देवर जी रहते हैं। तो हम लोग खाना शाम हो गई है, 3 बज रहा, थोड़ी 2 घंटे बाद हम लोग बनाना शुरू करेंगे। 5 बजे से दाल चावल और सूखा सिंपल खाना, और उसके बाद गाइस हम लोग खाएँगे, आप लोग को दिखाएंगे ब्लॉग में। और 13 दिन तक हम लोग सारा खाना खाने वाले हैं। गाइस हम लोग को 13 दिन तक ऑयली खाना नहीं मिलने वाला है और फ्राई किया हुआ कुछ नहीं मिलने वाला है। तुम्हें कैसा फील हो रहा है, तुमको सादा खाना मिलेगा तो कैसा फील हो रहा है बताओ गाइस? जैसा माहौल है उसके अनुसार बन जाओ गाइस। लेकिन सबसे बड़ा माहौल तो ये है कि जो गया है वो अब लौट के ना आएगा, सबसे बड़ा दुख का बात है उसके लिए। तो जो जाना था तो चला ही गया, सबसे बड़ी दुख की बात है। हम लोगों की जो बड़ी मम्मी है वो अकेले हो गई, बहुत दुख की बात है उनके लिए, बहुत बुरा लग रहा है गाइस। पर ये सब अपने हाथ में नहीं है ना, क्या किया जाए कि नहीं। तो यहाँ पे दीक्षा कुछ नहीं खाई है सुबह से, कुछ नहीं खाई हो ना अभी तक, केला खाई है बस। चलो मेरे आँख में पता नहीं क्या पड़ गया, मैं आपको खा रही थी। देखिए देखिए कितना तेज आंधी आ रहा है, आंधी आ गया भाई, गिप बंद करो। तो हमारे यहाँ शाम वाला खाना बनने लगा। यहाँ आलू सालू आलू को छिल रही है, चोखा बना रही है। देखिए गाइस अभी आंधी तेज आ रही थी,
हल्की आ रही है। देखिए यहाँ पे मेरे बाबू को बाबू आंधी में उड़ जाता आदमी। यहाँ देखिए बाबू मस्ती करते हुए आंधी में उड़ते आंधी में। देखिए चाची ने बाबू को गेट से बाहर कर दिया, बाबू आंधी में जा रहा था तू। अब देखिए बाबू में आंधी में ऐसे गोल गोल आ जाता है। क्या गोल गोल आता है? क्या नाम उसको कहते हैं? इसका नाम क्या होता है? यहाँ पे देखिए तुम उड़ जाओगे बाबू चक्रवात में। टाइगर स्पीड पे तुम बैठ जाना। मजा आ रहा है, कितना तेज की आंधी आ रही है। उसके में ताकत है ना तुम्हारी। जहाँ पे आंधी का हम लोग बजा लेते हुए मैं तो पास ही खड़ी हूँ, फट से घुस जाऊंगी अंदर। मैं अपने को सेफ्टी रखी हुई हूँ। अरे यहाँ पे बाबू खेल रहा है मेरे, और मेरी रेखा भाभी देखिए घर से बाहर झांक रही हैं थोड़ा थोड़ा। झाड़ू लगाने कोई पता नहीं। खाना पीना खा लिया है और मैं बेड पे हूँ। अभी मेरे हस्बैंड केस के सिलसिले से बात कर रहे हैं और यहाँ पे मेरा बाबू तो मैं इसी के साथ अपने वीडियो को एंड करना चाहती हूँ ब्लॉग को। आई होप कि आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।